बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता हेतु पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैक्टर एप्लीकेशन पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा लाभार्थियों को जोड़ने के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से कटिहार जिले के बरारी प्रखंड लक्ष्मीपुर पंचायत के भारतीय पासवान टोला कोड नंबर 18 के प्रांगण में सीएससी संचालक अखिलेश कुमार कुशवाहा के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविका को पोषण ट्रैक्टर ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बरारी प्रखंड के सीएससी संचालक अखिलेश कुमार कुशवाहा समेत एलएस सूर्यमुखी उपस्थित थे। सभी सेविका को लाभार्थी का पंजीकरण समेत अन्य कार्य डिजिटल तरीके से करने हेतु वर्कशॉप में बताया गया। अखिलेश ने बताया कि सभी सेविका को ट्रेनिंग देने के साथ साथ सरल भाषा में ऐप की संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब उन्हें कार्य करने में आसानी होगी और लाभार्थी को सुनिश्चित लाभ डिजिटल माध्यम से मिलना शत प्रतिशत सुनिश्चित होगा। वहीं सेविका कोर्ट 2 के संजू सिंह ने बताया कि परीक्षण बहुत अच्छे तरीके से मिला है, अब कार्य करने में बहुत ही सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि बाल विकास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरावस्था वाले लड़की लड़के को इस योजना के शत प्रतिशत लाभ हेतु परीक्षण दिया गया। किस चीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है महिलाओं को? आज सीएससी के माध्यम से पूरे लक्ष्मीपुर पंचायत के सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप को किस तरह चलाना है, किस तरह लाभार्थी को ऐड करना है, किस तरह स्तनपान कराने वाली माताओं को ऐड करना है, किस तरह 0 से 6 मंथ के बच्चे को ऐड करना है, उसके बारे में बताया गया। और किस तरह दैनिक ट्रैकिंग को किस तरह डेली फिल करना है, उसके बारे में सारे सेविकाओं को बताया गया। क्या लाभ मिलेगा उससे लोगों को, आम जनता को? उसमें भारत सरकार का जो है कि डिजिटल रूप से सभी को लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ ऊपर से आ रहा है वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में मिलना चाहिए, इसके बारे में सेविका लोग को बताया गया। और सेविका दीदी लोग उस लाभार्थी को उस पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करेगी, ऐड करके उस लाभार्थी को डायरेक्ट खाते में लाभ दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण जो है और कितने जगह चलेगा और अभी तक कहाँ कहाँ चला है? ये पूरे इंडिया में चलना है, अभी पूरे बिहार में डेट वाइज चल रहा है। अपने बरारी प्रखंड में भी आज के डेट में कम से कम 15 से 20 जगह ये परीक्षण का आयोजित किया गया। कितना दिन चलेगा लगभग? ये 2-3 दिन के अंदर में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये ऐप लॉन्च किया हुआ बहुत दिन हो गया है, बट सेविका लोग को जानकारी के अभाव की वजह से सुचारू रूप से ऐप को नहीं चला पा रही है, जिसके वजह से सीएससी के माध्यम से सारे सेविकाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किस तरह इस ऐप को यूज करना है, किस तरह लाभार्थी ऐड करना है। परिचय आपका? अखिलेश कुमार कुशवाहा, लक्ष्मीपुर पंचायत के सीएससी।